हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ फिरोज खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कार राजस्थानी ब्लॉग। और आज है प्रोग्राम फ्लिपकार्ट की तरफ से, जो कि काली मिस्त्री को आज मोटरसाइकिल मिली है नई, तो फ्लिपकार्ट वालों ने प्रोग्राम रखा है। देखिए उनका सेटअप है, ये हमारे मिस्त्री अवतार सिंह, ये हमारे दूसरे मिस्त्री लियाकत अली, और ये हैं फ्लिपकार्ट वाले जो कि ये प्रोग्राम के ओनर है। ये हमारे काली मिस्त्री जिनको मोटरसाइकिल मिली है हीरोंडा पैशन प्रो, इस दुकान के मालिक हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। हाँ बहुत। कंपनी की तरफ से दो मोटरसाइकिल। अब ये कंपनी प्रोग्राम कैसे चलाती है, अपना क्या काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। अपना जो काम है मैकेनिक भाइयों के लिए 2007 से चल रहा है, यानी 15 साल से कंपनी आपके बीच में है, ठीक है। और अरे एक डब्बे के ऊपर आपका पॉइंट आता है, डब्बा ऐसा है जिसका दूसरा आपके लिए पॉइंट आपको बढ़ के अभी मिलने लगा है, ठीक है। तो पॉइंट आपको मिलता था वो अभी थोड़ा सा उसको और बढ़ाया अपन ने, कि पॉइंट आपको भी बढ़ के मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैं प्रोडक्ट पे आना चाहूँगा। ये अपने जैसे ब्रेक लाइनर है, आप लगाते हैं ब्रेक लाइनर अपना, ठीक है। देखिए ये ब्रेक लाइनर जो है अपना, ये एस्बेस्टस फ्री है। मतलब ब्रेक लाइनर दो तरह के आते हैं, तो सफ़ेद वाले आते हैं, काले वाले आते हैं, दो तरह के आते हैं ना ब्रेक लाइनर। तो ये अपना जो ब्रेक लाइनर है एस्बेस्टस फ्री है। जो सफ़ेद वाला लाइनर होता है उसमें एस्बेस्टस एक केमिकल होता है, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन अपना जो ब्रेक लाइनर है वो एस्बेस्टस फ्री होता है, इको फ्रेंडली इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। इस तरीके का ये अपना ब्रेक लाइनर होता है। क्या करता बताओ, ये अपना क्रॉस है, ये छोटी गाड़ी का क्रॉस है, इसका फ्लिपकार्ट वाले अपने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये क्रॉस अपना होता है 20 mm CR5 ग्रेड स्टील से बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैंगलोर नागालैंड का सबसे जो बेस्ट स्टील होता है उससे अपना क्रॉस बनता है। तो इसका जो क्वालिटी है अपन उस लेवल का मेंटेन करते हैं कि आप कभी ठोकते टाइम में आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं आती, ठीक है। के बाद में अपना लगाते हैं आप लोग, ये छोटी गाड़ी के लिए भी अपना आता है, बड़ी गाड़ी के लिए भी अपना आता है। अब इसकी क्या खासियत है सेंटर बेरिंग, अपन लगाए मतलब क्या ऐसा सेंटर बेरिंग सभी कंपनियों के आते हैं लेकिन फ्रीड गाड़ी का ही क्यों इस्तेमाल करें, तो उसके पीछे क्या कारण है कि अपना जो सेंटर बेरिंग होता है वो RMA 1 ग्रेड का, इसमें अपन रबड़ यूज करते हैं। अब RMA 1 क्या होता है, तो जो रबड़ बनाने वाली जो कंपनी है रबड़ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, वो इस रबड़ को ग्रेडिंग देती है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो ये जो अपना रबड़ है ये RMA 1 ग्रेडिंग का रबड़ है, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का रबड़ आपको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ में ये ब्रेकेट कंप्लीट आता है, जो नीचे से पत्ती वगैरह इसमें सब लगी हुई रहती है, कंप्लीट भी आते हैं, पत्ती भी अलग से आती है, वाले तीनों तरह की अपने पास में इसमें सेंटर बेरिंग में रेंज है, ठीक है ना। तो ये भी आपको यूज़ करना चाहिए, ये छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी दोनों के लिए बहुत जरूरी हिस्सा होता है कि पूरा इंजन पर टिका हुआ रहता है। तो इंजन माउंटिंग में भी अपन जो मैंने आपको बताया कि इसका जो रबड़ होता है वो उसी क्वालिटी का बना होता है RMA 1 ग्रेड, ठीक है। इसके अलावा आपने फ्लिपकार्ट के इंजन माउंटिंग बहुत पहले यूज़ किए भी होंगे बहुत अच्छे से और अभी भी आप कर रहे हैं, तो इसका भी आप अपने पास में आप कम्प्लीट यूज़ कर सकते हैं। ये अपना रेंट फिल्टर सेगमेंट में आपको, आप ऑलरेडी सब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट फिल्टर के लिए सबसे बढ़िया जाने जाते हैं, का फिल्टर मतलब सबसे बेस्ट नंबर वन फिल्टर, मतलब जो अपना सबसे, इसका मेन काम क्या होता है फिल्टर का, कि जो इंजन के अंदर जो कचरा वचरा जाता है उससे इंजन की सुरक्षा, ये उसका मेन काम। तो एज अ फ्लिड गार्ड अपन क्या करते हैं, दो मिनट रुक जा, कर जाए वो ये है कि जैसे आप जितनी निष्ठा से हमारे लिए काम करते हो तो हम भी चाहते हैं कि उतनी निष्ठा से हम भी आपको कुछ दें,
तो आप जैसे ये लाइनर है सर के पास, लाइनर के ऊपर आपको 100 पॉइंट्स के अराउंड मिलते हैं, उसके बाद में सेंटर बैरिंग, अपना सेंटर बैरिंग के ऊपर 100 पॉइंट के आसपास आपको मिलते हैं, क्रॉस अपना क्रॉस में 100 पॉइंट आपको मिलते हैं। जैसे ओवरऑल आप मतलब हमारी रेंज डालते हो तो मतलब आपको 15 से 2000 पॉइंट के आसपास आपको मिलते हैं। सर आप कौन सी कंपनी से आए हो वैसे? ये अपना फीडगार्ड फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। अपन इसमें क्या है कि जो जितनी भी गाड़ियां हैं ऑटोमोबाइल के व्हीकल हैं उनका अपन फिल्टर से रिलेटेड अपन मैन्युफैक्चरर है। फिल्टर्स वगैरह, एयर इंटेक सिस्टम वगैरह ये सब अपन उनको बना के देते हैं। इंजन पार्ट वगैरह इस कंपनी के मिलते हैं? इंजन पार्ट्स में अपन नहीं देते हैं, अपन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एयर इंटेक सिस्टम का जो पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम है एयर फिल्टर, मतलब कौन सी कंपनी के आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं? आपकी कंपनी के पास कौन सी गाड़ियों के अपने अपने पास मतलब आप पूछना चाह रहे हैं किन किन कंपनी के अपने पास में फिल्टर्स अवेलेबल? नहीं हाँ, जो जैसे गाड़ी महिंद्रा है, टाटा है, अशोका लीलैंड है, तो आप इसके नाम से आता है, आप जो देख रहे हैं हाँ हाँ इस नाम से आता है। व्हीकल में अगर आप बात करते हो तो टाटा, लीलैंड, आइशर, महिंद्रा, भारत बेंज, जैसी इन सबके अपने पास में फिल्टर अवेलेबल है। इवन जो इंडस्ट्रियल जो फिल्टर लगते हैं वो भी अपने पास में अवेलेबल, माइनिंग एरिया में जो फिल्टर लगते हैं, जो कंप्रेसर लगते हैं उनमें जो एयर होस्ट लगते हैं वो भी अपने पास में अवेलेबल है। अपने पास में फिल्ट्रेशन की काफ़ी लंबी चौड़ी रेंज है। और क्वालिटी वाइज देखें तो कैसी क्वालिटी रहेगी आपके प्रोडक्ट की? क्वालिटी वाइज अपन ओईएम है, मतलब जो गाड़ी नई बन के निकल रही है उसमें अपना फिल्टर लग के आ रहा है डे वन से। ओईएम जिसको अपन बोलते हैं कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपन है, और 106 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें हमारा प्रोडक्ट लग के आ रहा है, उसका अपन ओईएम जैसे अप्रूव्ड आता है कंपनी अप्रूव बना के दे रहे हैं। हाँ। उनकी गाड़ियों में यूज करने के लिए अपन बना के दे रहे हैं, प्लस उनको अपन सप्लाई में भी मार्केट में सप्लाई के लिए भी उनको दे रहे हैं। ये अपनी एक स्ट्रेंथ है कि जो अपन इतनी कंपनी अगर अपने पर ट्रस्ट करके चल रही है वो अपना प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज कितना स्टैंडर्ड का होगा कि वो कंपनी अप्रूव करके अपना। जैसे ये स्कीम आप मतलब मैकेनिक के लिए स्कीम लेके आए हो आप, मतलब मैकेनिक आपका पार्ट डालेगा, बढ़िया वैरायटी है आपके पार्ट की, तो रिवॉर्ड भी होगा, रिवॉर्ड मिलेगा मैकेनिक्स भाइयों के लिए। अपन क्या कर रहे हैं कि 2007 से एक प्रोग्राम चलाया अपन ने मैकेनिक लॉयल्टी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अपन ने क्यों चलाया कि जो मैकेनिक भाई होते हैं उनकी जो मेहनत होती है उस मेहनत को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचान देने के लिए, क्योंकि उनका भी एक मार्केट में बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए रिवॉर्ड के रूप में अपन पॉइंट ले जाए, पॉइंट्स को इकट्ठा करके मैकेनिक भाई अपने लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो जरूरत के लिए वो अपने घर के लिए, अपने गैराज के लिए। जैसे हम देखते हैं रेट वाइज, जैसे रेट आपका क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा या हाई रहेगा? प्रोडक्ट अच्छा बता रहे हो आप, देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी ही उसके प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। अपना जो प्रोडक्ट है सबसे बेस्ट क्वालिटी का मार्केट में अपन है, नंबर वन प्रोडक्ट अपन उसको बोलते हैं, अपने लेटर में लिखा हुआ है। और अपना जो मेन टैग लाइन है वो है सर्वोत्तम सुरक्षा बड़ा इंजन लाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके इंजन के साथ में कोई गड़बड़ नहीं है, इंजन प्रोटेक्टेड रहे। अगर मैं बोलता हूँ कि आपका इंजन प्रोटेक्टेड रहे उसके लिए आप अगर 10-20-5 रुपये अगर ज़्यादा कम है तो वो मैटर नहीं करता, क्वालिटी सबसे अच्छी उसमें मैटर करती है, अपना रहता है प्राइस वगैरह उसी के अकॉर्डिंग। मतलब मैकेनिक को एक बार कई मतलब गाड़ी के ओनर होते हैं वो मैकेनिक पे नहीं छोड़ते, वो बोलते हैं टाटा का ओरिजिनल डालो, उस पर आप क्या बोलोगे? मतलब इसमें जो क्वालिटी की कोई भी प्रेफर कर सकता है, नहीं है कि मैकेनिक भाई क्वालिटी प्रेफर, बट जो सोर्स होता है कि गाड़ी वाला गाड़ी लेकर आ रहा है मैकेनिक भाई के पास ही आएगा। अगर मुझे कटिंग करवानी है तो मैं नाई के पास ही जाऊँगा, घर पर कुछ तो कीजिए लेकिन सही है। तो जो सोर्स है वो मैकेनिक भाई होता है, तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है गाड़ी का, क्वालिटी का। सही बात तो है, वो उनको अच्छे से गाइड करते हैं। अगर कोई गाड़ी वाला भी है तो उनको पता होता है कि जो आप देखेंगे पीछे गाड़ी खड़ी है उसमें जो एयर इंटेक सिस्टम लगा हुआ है ये वाला, हाँ एयर इंटेक फीडगार्ड लिखा हुआ है। हाँ फीडगार्ड लिखा हुआ है, हम ही बना के दे रहे हैं ये टेक्नोलॉजी। हाँ टाटा की है ये ना। हाँ, लेकिन वहाँ पे फीडगार्ड लिखा।